नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज। आप सभी को बताना चाहता हूं जो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड सामने आया है उसके चलते नंबर वन से लेकर लास्ट नंबर तक काफी सारे चेंजेस नजर आए हैं। ये वोटिंग ट्रेंड बता दूं आपको तो कल के वोटिंग ट्रेंड के कंपेयर में थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसके चलते बग्गा जी कल भी निकल रहे थे वो आज भी निकल रहे हैं। लेकिन अगर मेकर्स की कृपा रही तो मुस्कान जो है घर से बेघर हो जाएंगी। चलिए आपको बताता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि आखिरकार क्या कहते हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड। तो सबसे लास्ट पोजीशन पे बग्गा जी ही बने हुए हैं दोस्तों, और हेमा जी भी उन्हीं के साथ बरोबर उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए हमें नजर आ रही हैं। हेमा जी की अगर बात करें तो उनका जो एक एक्चुअली था कि वो जो बिग बॉस के घर के अंदर जेल में स्पेशली कर रही थी, उसके कंपेयर में हेमा जी जो है वो यहां पर कुछ भी नहीं कर रही, तो हेमा जी भी निकल सकती हैं। इसके साथ साथ शिल्पा जो है वो दोस्तों सातवीं पोजीशन पे बनी हुई है, बैक टू बैक सातवीं पोजीशन पे। छठी पोजीशन पे एलिस बनी हुई है दोस्तों, पांचवी पोजीशन पे मुस्कान बनी हुई है, सातवीं पोजीशन पे, और पांचवी पोजीशन पे जो है आपका रजत दलाल बने हुए हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात की जाए तो यहां पर फिर श्रुतिका आती है, श्रुतिका बनी हुई है चौथी पोजिशन पे, और तीसरी पोजीशन पे अपने अविनाश बने हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे करण बने हुए हैं, और नंबर वन पे चाहत बनी हुई है। चाहत को लोग पसंद कर रहे हैं, स्पेशली कल के बाद जो प्रोमो आया है, जो प्रोमो चाहत का काटा गया है दोस्तों, वो सचमुच में इतना माइंड बॉगलिंग है कि क्या बताएं। जहां पे चाहत जो है वो स्ट्रगल कर रही है, तीन चार उसके ऊपर एकदम अटैक कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। अब ऐसे में चाहत जो है वो बिग बॉस के घर में डेफिनेटली बवाल करेगी, इतना उम्मीद तो लग रहा है, और वोटिंग में डेफिनेटली वो निकल जाएंगी साफ साफ, जनता क्योंकि उनको सपोर्ट कर रही है इस वजह से। अब देखते हैं कि करणवीर, अविनाश और चाहत को किस तरीके से सलमान साहब एड्रेस करते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि जिसको पहले पहले बचा दिया तो उसको ज्यादा वोट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार खेल को ट्विस्ट करने के लिए भी जिसको टीआरपी ज्यादा आ रही है उसको वो लास्ट में रख देंगे, जैसे कटारिया को लास्ट में रख देते थे ये लोग, या फिर एल्विश को लास्ट में रख देते थे, इस तरीके से चीजें। सो कमेंट कीजिए, बताइए क्या कहना है, बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।